हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, पीओ एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। अभी तक अपन ने टाइम एंड वर्क की बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए एंड बी कैन डू अ गिवन पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, कॉमा बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, ए बी सी कंप्लीट इट इन 6 डेज, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाई ए एंड सी। ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में आया था। अब इसमें अपन को दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी वर्क को 8 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर उसको 12 डेज में करते हैं, ए बी और सी तीनों साथ में मिलकर उसको 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। अपन को पता लगाना ए और सी उसको कितने डेज में फिनिश करें। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को दिया हुआ है ए प्लस बी, उस वर्क को करते हैं 8 डेज में। इसी तरीके से अपने को दिया हुआ है बी प्लस सी, उसको करते हैं 12 डेज में। और अपने को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, उसको करते हैं 6 डेज में। तो यहां पर अपन जो टोटल यूनिट वर्क अज्यूम करेंगे वो इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 24, यानी ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 24 बाई 8 यानी 3 यूनिट्स। इसी तरीके से बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 24 बाई 12 यानी 2 यूनिट्स। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 24 बाई 6 यानी 4 यूनिट्स। अब यहां पर अपन को a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क पता है। a प्लस बी का वन डे वर्क क्या है अपने पास, 3। तो c का वन डे वर्क क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, तो ये हो गया अपने पास 4 माइनस 3 यानी 1 यूनिट। इसी तरीके से अपने को a का निकालना है। अगर a का निकालना है तो अपन क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर देंगे, तो a का क्या आ जाएगा अपने पास, 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट, दैट विल बी 2 यूनिट। यानी a प्लस सी मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। तो टोटल वर्क करना है उनको 24 यूनिट, तो उनको कितना टाइम लगेगा, 24 बाय 3 दैट मींस 8 डेज के अंदर ए प्लस सी मिलकर के 24 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज एंड बी इन 90 डेज, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज देन हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड इन 40 डेज। अब इस क्वेश्चन में अपन को दिया है ए अगर किसी काम को करता है तो अकेला 72 डेज में करता है, बी अकेला 90 डेज में करता है, लेकिन वो साथ में वर्क नहीं कर रहे बल्कि अल्टरनेट डेज वर्क कर रहे हैं, तो वो 40 डेज में कितना वर्क फिनिश कर देंगे। अब जब अल्टरनेट डेज वर्क कर रहे हैं तो वो इस तरीके से वर्क करेंगे, फर्स्ट डे ए करेगा फिर बी करेगा, फिर वापस फर्स्ट डे ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, इस टाइप से सीरीज चलेगी। अगर वो साथ में वर्क करते तो वो एक दिन में कितना करते हैं, ए प्लस बी, नेक्स्ट डे करते हैं ए प्लस बी, इसी तरीके से नेक्स्ट डे करते हैं ए प्लस बी, और ये सीरीज चलती है। यहां पर अपन अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो अपन को ये पता लगेगा कि वो अल्टरनेट डेज में 2 डेज में जितना वर्क करते हैं वो दोनों साथ में जब मिलकर करते हैं तो उतना वर्क वो एक दिन में करते हैं। यानी अगर ए प्लस बी साथ में मिलकर n यूनिट वर्क कर रहे हैं तो अल्टरनेट डेज में वो 2 डेज में मिलकर के इतना वर्क कंप्लीट करेंगे। ए प्लस बी का वन डे वर्क होगा, वो ए और बी का अल्टरनेट डेज का 2 डे का वर्क होगा। यानी अगर अपन पता लगा लें कि ए प्लस बी मिलकर के कितने डेज में वर्क करते हैं तो अल्टरनेट डेज में कितने टाइम लगेगा उनको वर्क करने में, डबल। तो यहां पर अपन को दिया हुआ है ए किसी वर्क को करता है 72 डेज में, बी किसी वर्क को करता है 90 डेज में। तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे अपन, टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ए अगर 72 डेज में करता है 360 यूनिट वर्क, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 5 यूनिट्स। इसी तरीके से बी अगर 90 डेज में 36 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना कर लेगा, 4 यूनिट। अब अपन को दिया हुआ है कि ए और बी अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं, अगर वो साथ में वर्क करते हैं तो यानी एक दिन में कितना करते, 9 यूनिट्स। ए प्लस बी का एक दिन का वर्क होता 9 यूनिट, लेकिन अगर वो अल्टरनेट डेज कर रहे हैं तो इतना यूनिट वर्क कितने डेज में कर रहे हैं, 2 डेज में। अब अपन को दिया हुआ है कि 40 डेज में कितना वर्क कर लेंगे, पहले तो अपन ये निकालते हैं कि इनको टोटल टाइम कितना लगेगा ये वर्क कंप्लीट करने में। तो ए प्लस बी को टोटल टाइम लगेगा 360 बाय 9 यानी 40 डेज अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं। अगर वो अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं तो इसका जस्ट डबल टाइम लग जाएगा, यानी 40 × 2 अल्टरनेट डेज काम करते हैं तो वो 80 डेज में ये वर्क फिनिश कर देंगे। अपन को बोला है कि 40 डेज में कितना वर्क फिनिश हो जाएगा, अगर 80 डेज में पूरा वर्क फिनिश होगा तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 बाई 80 यानी 1/2 वर्क
वो 40 डेज के अंदर फिनिश कर देंगे। तो यहां पर अपन एक नया कंसेप्ट सीखा है कि जब अल्टरनेट डेज में कोई पर्सन वर्क कर रहा है, फर्स्ट डे अगर ए कर रहा है, सेकंड डे बी कर रहा है, तो जब वो साथ में मिलकर के वर्क कर रहे थे उसका जस्ट डबल टाइम उनको लगेगा अल्टरनेट डेज वर्क करने में। अगर साथ में वर्क करने में वो पूरा वर्क कंप्लीट करते 40 डेज में, तो अल्टरनेट डेज में उनको 80 डेज लगेंगे ये वर्क फिनिश करने में। 40 डेज में कितना वर्क हो जाएगा, 40/80 यानी 1/2 वर्क वो 40 डेज में फिनिश कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट अ हाउस, ऑल थ्री ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर टेक्स 16 डेज टू पेंट अ हाउस, इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट अ हाउस। अब यहां पर अपन को सबसे पहले दिया हुआ है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है यहां पर, ए अगर थ्राइस गुड है तो ए की 3 हो जाएगी, बी की 1, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा, यानी ए को 1 लग रहा है तो बी को यहां पर मान लेते हैं 1x और 3x। सी को कितना टाइम लग रहा है अकेला वर्क करने में, अपन को दिया हुआ है 48 डेज। एक और चीज दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं तो उनको लग रहा है यहां पर 16 डेज। तो यहां पर अगर अपन को दिया हुआ है सी को लग रहे हैं 48 डेज, ए प्लस बी प्लस सी को लग रहे हैं यहां पर 16 डेज। तो यहां पर अगर अपन एलसीएम लेंगे 48 और 16 का तो हो जाएगा 48 यूनिट अगर वर्क करना है, सी अगर 48 यूनिट वर्क करता है 48 डेज में तो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी अगर 48 यूनिट वर्क कर रहे हैं 16 डेज में तो एक दिन में कितना करेंगे 48/16 यानी 3 यूनिट। अब अगर सी 1 यूनिट कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी में से हमको पता लग गया सी 1 यूनिट कर रहा है, बचा कितना 2 यूनिट, कौन कर रहा है ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब यहां पर अगर अपन को इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 1, यानी ए की एफिशिएंसी क्या होगी मान लो 3x, बी की कितनी होगी x, ये दिया हुआ अपन को 2, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, यानी बी की एफिशिएंसी हो जाएगी यहां पर 1/2 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी अपने पास 3/2। यहां पर अगर अपन को टोटल ए और बी की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं वो 2 यूनिट्स दिया हुआ है, अपन को बोला है कि ए इज थ्राइस एज वर्कमैन एज बी, यानी ए इसका 3 पार्ट कर रहा होगा, बी इसका 1 पार्ट कर रहा होगा, तो 2 का अगर अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो आता है 1/2, यानी बी कितना कर रहा होगा 1/2 और ए कितना कर रहा होगा 3 × 1/2 यानी 3/2। तो ये अपने पास आ गया इनका 1 डे में कितने यूनिट वर्क करते हैं। अब अपन को निकालना इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। अब बी एक दिन में अगर 1/2 यूनिट कर रहा है टोटल उसको करना है 48 यूनिट, एक दिन में 1/2 कर रहा है तो टोटल डेज क्या हो जाएगा 48/1/2 ये हो जाएगा अपने पास 96 डेज, यानी बी अलोन करता है तो उसको 96 डेज लगते हैं। यहां पर सबसे पहले अपन ने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाला 3:1, टाइम का निकाला 1x और 3x। अब यहां पर अपन को सी का दिया हुआ 48 डेज, ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ 16 डेज, अपन ने निकाल लिया सी एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 3 यूनिट। अब ए प्लस बी कितना करेंगे इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2 यूनिट। यहां पर अगर अपन को टाइम का नहीं लेना है, अपन को एफिशिएंसी का रेशियो लेना है, एफिशिएंसी क्या होता है 1 डे वर्क अगर 3:1 है और टोटल ये 2 कर रहे हैं तो ए कितना करेगा 3 × 1/2, बी कितना करेगा 1/2, यहां पर अपन ने 1 डे वर्क लिख लिया 3/2, 1/2 और 1। तो यहां पर अगर 48 यूनिट टोटल वर्क करना है, बी एक दिन में 1/2 कर रहा है तो उसको टोटल डेज कितने लगेंगे 48/1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 96 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी टियर 2 में पूछा गया था अभी 2018 में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर तुमको दिया हुआ है ए अगर 1/3 वर्क करता है 15 डेज में, यानी अगर वो 1/3 वर्क कर रहा है 15 डेज में तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा 15 × 3 दैट विल बी 45 डेज, इतना टाइम लगेगा ए को करने में। इसी तरीके से अपन को क्या बी 75% वर्क करता है, 75 का मतलब क्या हो गया 3/4 वर्क करता है कितनी देर में 18 डेज में, तो टोटल वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी अगर 3/4 करने में 18 डेज लग रहे हैं तो 1 यूनिट करने में कितना लगेगा उसको 18 × 4/3 दैट विल बी 24 डेज। इसी तरीके से अपन को सी का दिया हुआ है 36 डेज में वो पूरा वर्क कंप्लीट करता है।
तो यहाँ अपने पास आ गया ए, अगर अकेला करता है तो उसको 45 डेज लगते हैं, कैसे, अगर 1/3 15 डेज में कर रहा है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 यानी 45 डेज में करेगा। बी अगर 75% करता है यानी 3/4 अगर 18 डेज में कर रहा है तो 1 यूनिट कितना करेगा 18 × 4/3 में यानी 24 डेज में, और सी का दिया हुआ 36 डेज। अपन को बोला बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब अपन यहां पर निकालेंगे कि बी और सी ने 8 डेज में कितना वर्क किया है, कैसे निकालेंगे, अपने को दिया हुआ है बी अकेला करता है इस वर्क को 24 डेज में और सी अकेला करता है 36 डेज में, तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम वो अपन ले लेंगे तो आ जाएगा 72, यानी बी एक दिन में कितना करेगा 72/24 यानी 3 यूनिट। इसी तरीके से सी एक दिन में कितना करेगा 72/36 यानी 2 यूनिट। अभी एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2, अगर 8 डेज वर्क करते तो कितना कर लेंगे ये 3+2 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 40 यूनिट वर्क बी प्लस सी 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है बचा हुआ वर्क जो है वो एक अकेला करता है वो कितने डेज में करेगा ये अपन को निकालना है। तो बचा हुआ वर्क कितना है 72 यूनिट अपन ने माना था टोटल वर्क, 40 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो बचा कितना अपने पास 32 यूनिट्स आउट ऑफ 72 यूनिट्स। अब अगर अपने को दिया हुआ है कि ए अगर 1 यूनिट वर्क करने में लगाता है कितने डेज लगते हैं उसको 45 डेज, तो 32/72 यूनिट वर्क करने में कितने लग जाएंगे 45 × 32/72, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72 यानी 20 डेज के अंदर ए रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले अपन ने निकाल लिया कि टोटल वर्क कितना करना है 72 यूनिट्स, तो बी और सी ने 8 डेज में कितना किया होगा 42 यूनिट्स, बचा हुआ वर्क है अपने पास 32 यूनिट, 32 यूनिट मतलब इसका फ्रैक्शन में लेंगे तो 32/72 वर्क बचा हुआ है। ए अगर 1 यूनिट वर्क करता है 45 डेज में तो 32/72 यूनिट वर्क कितने डेज में करेगा वो अपने पास आ जाएगा 45 × 72/32। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ए अगर 72 यूनिट वर्क कर रहा है 45 डेज में तो 32 यूनिट कितने डेज में करेगा 45/72 × 32। दोनों तरीके से अपन समझ सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 20 डेज में टोटल वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन ग्लो कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम एट कांस्टेंट स्पीड देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम्स 2:3। अब इस केस में अपन को दो कैंडल्स दी गई है, एक 4 आवर में पूरी बर्न आउट हो जाती है, एक 6 आवर में पूरी बर्न आउट हो जाती है। अपन को पता लगाना है कि 2:3 उनके हाइट का रेशियो कितने टाइम बाद होगा। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं 4 आवर में एक कैंडल चलती है, 6 आवर में बी कैंडल पूरी तरह जलती है, तो जिस तरीके से अपन वहां पर नंबर ऑफ डेज लिख रहे थे यहाँ नंबर ऑफ आर आ गया, टोटल हाइट कैसे आ जाएगी अपन इनका एलसीएम ले लेंगे, जो वहां पर टोटल यूनिट वर्क होता था यहाँ आ जाएगी टोटल हाइट ऑफ द कैंडल, तो अपन ने एलसीएम लिया वो आ गया अपने पास 12 मीटर। अपन ने मान लिया कि 12 मीटर उस कैंडल की टोटल हाइट है, तो 12 मीटर टोटल हाइट है 4 आवर में पूरी चल रही, तो 1 आवर में कितनी चलेगी 3 मीटर पर आवर। इसी तरीके से 12 मीटर हाइट है 6 आवर में पूरी चल रही, तो 1 आवर में कितनी चलेगी 2 मीटर पर आवर। अब अपन मान लेते हैं कि t आवर्स के बाद में उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाता है, तो t आवर्स में कितनी चल जाएगी, कितना बचेगा, मतलब अगर अपन एक ही बात करें तो 12 टोटल है, तो t आवर्स में कितना चल जाएगा 3t, यानी कितना बचा 12 − 3t। इसी तरीके से b की बात करें तो t आवर्स बाद b कितनी बचेगी, 12 टोटल है इसमें से t आवर्स में कितनी चल जाएगी 2t, तो बचा कितना 12 − 2t। अब इनके हाइट का रेशियो अपन को कितना दिया हुआ है 2:3, तो यहां लिख देंगे अपन 2:3, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 36 − 9t = 12 − 24 − 40, 9 बच जाएगा 24 इधर आएगा, तो हो जाएगा अपने पास 12 = 5t, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास 12/5 आवर्स, यानी 12/5 आवर्स बाद ये जो कैंडल्स हैं इनका रेशियो हो जाएगा हाइट का 2:3, इसको अपन और इलेबरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 5 आवर, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 hours and 24 minutes, यानी 2 hours 24 minutes बाद में इन दोनों कैंडल्स का रेशियो हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। यहां पर अपन ने अज्यूम कर लिया इसकी टोटल हाइट कैंडल्स की मान ली 12 मीटर, तो
अगर अपन को दिया हुआ है कि टी आवर्स बाद उनके हेड पर टू टू थ्री होता है, तो टी आवर्स में कितनी चल जाएगी ये 3t, तो बची कितनी 12 माइनस 3t, ये वाली कितनी चल जाएगी 2t, तो बचे कितनी 12 माइनस 2t, वो अपन को दिया हुआ रेशो टू टू थ्री, तो इसको सोल्व किया, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 12 बाई 5, यानी 2 2 बाई 5, इसको अपने आवर और मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ गया अपने पास 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 पर्संस कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, they start the work and after 10 days x person left the work, if whole work was completed in 80 days then what is the value of x। तो यहां पर अगर अपन को दिया हुआ है 25% 60 डेज में कोई वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 10% छोड़ के चले जाते हैं x डेज बाद, तो टोटल टाइम उनको लगता है 80 डेज, अपन को पता लगाना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहां पर अपन सिंपल फार्मूला यूज करेंगे m1d1 = m2d2, यहां पर m1 की वैल्यू होगी अपने पास 25, वो कितने डेज वर्क कर रहे हैं 60, फिर इसके बाद अपन को दिया हुआ है कि 10% यानी h डेज तक कितने लोगों ने काम किया 25 में, तो यहां जाएगा अपने पास 25 * x, इसके बाद 10% छोड़ के चले गए तो कितने बचे अपने पास 25 - 10, अब इन लोगों ने कितने डेज वर्क किया होगा, x डेज अगर 25 ने किया वो टोटल 80 है, तो इन्होंने किया होगा 80 - x डेज, तो यहां पर अपने पास आ गया 25 * 60 = 25x प्लस ये हो गया 15, तो 15 * 80 - 15x, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 * 60 यानी 1500 माइनस 15 * 80, 15 * 80 होता है 1200, वो इधर आ गया तो 1200, 25x माइनस 15x तो ये हो गया अपने पास 10x, ये हो गया अपने पास 300 = 10x, यानी x की वैल्यू आ गया अपने पास 30। इसका मतलब क्या है कि 30 डेज बाद 10 लोग अगर काम छोड़कर जाएंगे तो टोटल वर्क इनका कंप्लीट होगा 80 डेज में। यहां पर अपन ने सिर्फ m1d1 और m2d2 को बराबर कर दिया, सबसे पहले 25% ने 60 डेज वर्क किया m1d1, फिर अपन को x डेज तक 25% ने वर्क किया, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है यानी 80 - x डेज, वहां कितने लोगों ने वर्क किया, अगर 10 छोड़कर चले गए तो 25 - 10 यानी 15, इसको अपन इक्वल कर दिया तो अपने पास आ गया x की वैल्यू 30 डेज, यानी 30 डेज के बाद 10% ये वर्क लेफ्ट करके गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। वर्किंग अलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 आवर्स एंड बी कैन डू इट इन 54 आवर्स, फाइंड शी शेयर इफ ए बी एंड सी गेट पेड ₹4320 फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 आवर्स बाय वर्किंग टुगेदर। अब यहां पर अपन को ए बी और सी को टोटल कितना पे किया है वो दिया हुआ है 4320, अपन को पता है ए बी और सी के बीच जो अमाउंट शेयर होगा वो इस रेशियो में होगा, वो उनका वन डे वर्क के रेशियो में शेयर होगा, तो यहां पर अपन को ए बी और सी का वन डे वर्क निकालना है और उस रेशियो में इस अमाउंट को शेयर करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए का अपन को दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ डेज 27, बी के दिए हुए अपन को टोटल नंबर ऑफ डेज 54, ए प्लस बी प्लस सी का अपने को दिया हुआ है पूरे, तो यहां अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, a अकेला उसको 27 डेज में करता है, b उसको करता है 54 डेज में, तो यहां अगर अपन टोटल वर्क को अज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे इनका एलसीएम, तो 12 27 और 54 का एलसीएम आएगा अपने पास 216, अगर 216 मिनट वर्क करना है और a प्लस बी सी मिलकर 12 डेज में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 12 * 18 यूनिट वर्क, इसी तरीके से 216 यूनिट वर्क करना है, ए अगर एक दिन में 27 डेज में करता है तो एक दिन में कितना कर देगा यहाँ पर 8 यूनिट वर्क, इसी तरीके से 216 यूनिट वर्क करना है, बी अगर 54 डेज लेता है तो एक दिन में कितना कर देगा 4 डेज, तो 4 यूनिट्स, तो यहां पर अपने पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क करते हैं 18 एक दिन में 18 यूनिट, बी एक दिन में करता है 4 यूनिट और ए एक दिन में करता है 8 यूनिट, तो यहां पर अपन निकाल लेंगे सी एक दिन में कितना करता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अपने पास 18 - 8 - 4, ये आ जाएगा अपने पास 6 यूनिट्स, यानी सी एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, तो इनके जो अमाउंट होगा वो किस रेशियो में शेयर होगा ए बी सी के वन डे के कितना वर्क करते हैं उस यूनिट के रेशियो में, तो ए कितना करता है 8, बी कितना करता है 4 और सी कितना करता है 6, तो अपन को सी को कितना अमाउंट देना ये क्वेश्चन में निकालना था कि सी का कितना शेयर होगा, तो वो हो जाएगा अपने पास 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है यहां पर 18 * 4 = 320, 6 * 3 = 18, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 * 3 = 12,
यानी सी को मिलेंगे 1440 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में अपन को अमाउंट शेयर करने के लिए सबसे पहले निकालना है कि एबीसी एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे, उसको अपन ने निकाल लिया यहाँ पर 216 यूनिट टोटल वर्क माना। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 12 डेज में करते हैं तो एक दिन में 18 करेंगे, ए अगर 27 डेज में करता है तो एक दिन में 8 यूनिट करेगा, बी अगर 54 डेज में करता है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर एक दिन में 18 कर रहे हैं, ए 8 और बी 4, तो सी कितना करेगा 18 माइनस 8 माइनस 4, तो आगे अपने पास 6 यूनिट सी अकेला करेगा। अब अपने पास वन डे वर्क का रेशियो आ गया 8:4:6, तो अपन को पता लगा है सी को कितना शेयर मिलेगा, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 4320, तो आ गया अपने पास 1440 रुपीस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मेन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मेन एंड 16 वुमेन कैन डू ट्वाइस एज मच एज दिस वर्क। ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन एक शॉर्टकट देखी थी, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास d मल्टीप्लाई बाय a1 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 प्लस a2 b1। ये हो जाएगा अपने पास d क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं इनको कंप्लीट करने में 20, मल्टीप्लाई बाय a1 है 6 में और b1 है 12 में, तो 6 * 12 डिवाइडेड बाय a1 b2 यानी 6 में * 16 वुमेन, तो हो जाएगा 6 men into 16 women plus 12 women into 8 men, 12 women into 8 men, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 into 72 divided by 96 plus 96, ये हो जाएगा अपने पास 20 into 72 divided by 192, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 10 2 96, 12 6 72, 12 8 96, तो ये आ जाएगा अपने पास 60 divided by 8, that will be 15 divided by 2 days, यानी इतना वर्क करने में इन लोगों को लगेंगे 15 by 2 days, लेकिन अपन को क्वेश्चन में बोला है कि इनको ट्वाइस वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। अगर सेम वर्क करने में अपन को लग रहा है 15 by 2 days, तो ट्वाइस वर्क करने में कितना लगेगा, 2 multiplied by 15 by 2 days, यानी 15 days लगेंगे ट्वाइस वर्क कंप्लीट करने में 8 men और 16 women। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, अपने को शॉर्टकट पता थी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, d into a1 b1 divided by a1 b2 plus a2 b1, तो d की वैल्यू अपन ने रख दी 20 डेज, 6 men into 12 women divided by 6 men into 16 women plus 12 women into 8 men, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 15 by 2 डेज टोटल लगेंगे इन लोगों को वर्क करने में। अपन को बोला कि इनको डबल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 into 15 by 2 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 डेज के अंदर 8 men and 16 women twice वर्क कंप्लीट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर एंड 75 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, देयर इज एन आउटलेट पाइप सी, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। अब अपन को क्वेश्चन में दिया है ए अगर किसी टैंक को अकेला भरता है तो 1 आवर लगता है यानी 60 मिनट्स लगते हैं, इस तरीके से बी अगर भरता है तो उसको लगता है 75 मिनट्स, ए प्लस बी और सी जो उसको एम्प्टी कर रहा है तो यहां जाएगा माइनस सी, अगर ये तीनों पाइप साथ में चलते हैं तो इनको लगते हैं 50 मिनट्स। अपन को पता लगाना है कि सी फुल टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करेगा, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, अपने को दिया हुआ है सबसे पहले 60 मिनट्स, किसका दिया हुआ है ए का, इसी तरीके से बी का दिया हुआ है टाइम 75 मिनट्स, तीसरा अपन को ए प्लस बी माइनस सी का दिया हुआ है, क्योंकि ए प्लस बी भर रहे हो सी खाली कर रहा है, तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, यहां अपन को लग रहा है टोटल 50 मिनट्स का टाइम। अब यहां पर अपन टोटल कितना मान लेंगे कैपेसिटी, इसका ले लेंगे अपन एलसीएम, तो आ जाएगा अपने पास 300, यानी कि ए अगर 300 लीटर्स का भरता है 60 आवर्स में, तो एक आवर में कितना भरेगा वो 5 लीटर, बी अगर 300 लीटर भर रहा है 75 आवर्स में, तो एक आवर में कितना भरेगा वो 4 लीटर, ए प्लस बी माइनस सी अगर 300 लीटर्स भर रहे हैं 50 आवर्स में, तो एक आवर में कितना भर देंगे वो 6 लीटर, यानी कि अपने पास ए आ गया एक आवर में 5 लीटर भर रहा है, बी एक आवर में 4 लीटर भर रहा है, ए प्लस बी माइनस सी 6 लीटर भर रहे हैं एक आवर में, तो एक आवर में ए प्लस बी की अपने पास वैल्यू है अपने पास 5, बी की अपने पास 4, सी की अपने को निकालनी होगी, अपन को दिया हुआ है 6, तो सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 5 प्लस 4 माइनस 6 यानी 3 लीटर, यानी सी एक आवर में 3 लीटर वाटर एम्प्टी करता है इस टैंक में से, टोटल अपने पास दिया हुआ है 300 लीटर टैंक है, 3 लीटर अगर 1 मिनट में कर रहा है तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको 100 मिनट्स, यानी सी 100 मिनट्स के अंदर इस टैंक को फुल टैंक को एम्प्टी कर देगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स एंड सी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स. इफ ऑल दीज पाइप्स आर ओपन एट 7 एएम एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ टैंक विल बी फिल्ड. अपन को दिया हुआ है ए और बी पाइप है, वो उस टैंक को भर रहे हैं 10 आवर्स और 12 आवर्स लगते हैं उनको अगर वो अलग से भरते हैं तो. सी है वो अकेला अगर उसको एम्प्टी करता है तो वो 6 आवर में एम्प्टी कर देता है. अगर ये तीनों पाइप साथ में 7 एएम पे ओपन हुए हैं अपन को पता लगाना है कि 1/4 ऑफ टैंक कितने टाइम में भर जाएगा. तो यहां अपन देखेंगे ए को लगता है अकेला 10 आवर्स, बी को अकेले को लगते हैं 12 आवर्स और सी को अकेले को लगते हैं 6 आवर्स. इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा अपन के पास 60 लीटर की कैपेसिटी हो गई टैंक की, अपन ने अज्यूम कर लिया. तो ए एक आवर में कितना भरेगा 6 लीटर, बी एक आवर में कितना करेगा 5 लीटर और सी एक आवर में कितना एम्प्टी करेगा 60/6 यानी 10 लीटर. यानी एक आवर में कितना लीटर टैंक भर रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, दैट विल बी 6 + 5 - 10 तो ये आ जाएगा 1 लीटर. यानी अगर एक आवर तीनों पाइप साथ में ओपन होते हैं तो वो 1 लीटर टैंक फिल करते हैं. अपन को पता लगाना कि 1/4 टैंक कितने टाइम में फिल होगा. अगर 60 लीटर टोटल टैंक की कैपेसिटी है तो 1/4 टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 × 60 यानी 15 लीटर्स. तो 15 लीटर्स भरने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, 15/1 यानी 15 आवर्स. 15 आवर्स अगर ये तीनों पाइप साथ में ओपन रहेंगे तो ये टैंक 1/4 भर जाएगा. अपन को बोला है कि एट व्हाट टाइम, टाइम अपन को निकालना है. अगर 7 एएम पे ओपन हुआ है तो 7 एएम प्लस 15 आवर्स यानी 7 एएम से 7 पीएम तो हो गया 12 आवर्स प्लस 3 यानी 10 पीएम पे ये पाइप जो है इस टैंक को 1/4 फिल कर देंगे.